नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश पे आज सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा निकॉन DSLR या कोई भी DSLR जो आप यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो निकॉन हो, सोनी हो, कैनन हो, फ्यूजी हो या कोई भी DSLR आप यूज़ करते हैं, तो हर DSLR में एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। और जब हम नॉर्मली कंपनी से कैमरा ख़रीदते हैं तो उस कंपनी के DSLR में एक हमको डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले का कलर जो है लगभग सब जगह सेम होता है, ग्रे कलर का डिस्प्ले हमको मिलता है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों का मालूम होगा कि हम अपने डिस्प्ले का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और यही टॉपिक पर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में करके कि अपने डिस्प्ले का कलर आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आगे आने वीडियो में आपको इसकी जानकारी रहे और अपने डिस्प्ले का कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकें और मेरे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचते रहें। इसके लिए दोस्तों, आप बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना कैमरा ऑन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना कैमरा जो है ऑन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं मेरा कैमरा ऑन में है और यहाँ पे दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन DSLR D5300। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हमारे मेनू का ऑप्शन दिया, मेनू बटन दिया रहता है, हमको मेनू बटन पर जाना है। मेनू बटन हम लोग जाएंगे तो हमारा इस प्रकार से डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो मेनू एक बार फिर से प्रेस करते हैं। फिर दोबारा मेनू प्रेस किया और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों को मिलता है प्लेबैक मेनू। अब प्लेबैक मेनू से हम लोगों को नीचे जाना है। यहाँ पे आपका ये सेलेक्टर मोड सेलेक्टर डायल रहता है, इस सेलेक्टर डायल से हम लोगों को नीचे आना है। शूटिंग मेन्यू आता है, कस्टम सेटिंग मेन्यू आएगा, उसके बाद आपको ये जो डिस्प्ले दिया है सेटअप मेन्यू, सेटअप मेन्यू में आपको जाना है। इसको आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे से राइट से सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट मेमोरी कार्ड पहला ऑप्शन आता है, मोनिटर ब्राइटनेस दूसरा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे इन्फो डिस्प्ले फॉर्मेट है, चौथा ऑप्शन आता है आपको ऑटो इन्फो डिस्प्ले। तो आपको जाना है दोस्तों इन्फो डिस्प्ले फॉर्मेट में और यहाँ पे फिर से इसको एक बार राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दोस्तों मिल रहे हैं, ऑटो सीन इफेक्ट्स ऊपर है और दूसरा आपको PSAM ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सबसे पहले आपको ऊपर जाना है। यहाँ पे इसको फिर से एक बार राइट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपको 6 टाइप के आपको डिस्प्ले दिखाई पड़ रहे हैं। पहली लाइन में जो 3 डिस्प्ले हैं ये आपको क्लासिक डिस्प्ले हैं, जिसमें आपके जो हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन आप देखें जैसे पी मोड में दिया हुआ है, 6 के 6 डिस्प्ले आपको पी मोड में दिखा रहा है प्रोग्राम मोड में। तो पहला डिस्प्ले इस टाइप से आएगा, दूसरे में आपका ब्लू कलर रहेगा और तीसरे में आपका वाइट स्क्रीन ज़्यादा रहेगा। वाइट स्क्रीन नहीं है, क्रीम कलर का, थोड़ा क्रीम कलर का स्क्रीन है और सेम आपको नीचे ग्राफिक में आएगा। ग्राफिक में आपके सर्किल आते हैं शटर स्पीड ISO और एपरेचर का। और यहाँ पे जो है आपको जो है इस प्रकार से, जैसे पी मोड है तो उसके बाद में आपका शटर स्पीड 250 लिखा हुआ है, एपरेचर इसका F11 है। और यहाँ पे दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका ISO भी लिखा हुआ है 400, तीनों में 400 लिखा है। फिर नीचे वाले में क्या, यहाँ पे 3 सर्किल बने हुए हैं, शटर स्पीड एपरेचर एंड ISO सेम। तो यहाँ पे आप कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना ब्लैक कलर सेलेक्ट कर ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को ये डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसका ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को जस्ट ओके टिक करना है, ये ओके हो गया। सेम दोस्तों आपको नीचे जब आए पाएंगे, नीचे वाले ऑप्शन में भी आपको इसी तरीके से सेम डिस्प्ले सेलेक्ट करना है और इसको ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से मेनू बटन प्रेस करना है और एक बार फिर से मेनू बटन जब प्रेस करेंगे उसके बाद मैं आपको लाइव व्यू स्विच हमारा यहाँ पर है, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। लाइव व्यू स्विच जैसे ही ऑन करूँगा तो वहाँ पर ही आप देखेंगे, देखिए मेरा कलर जो है चेंज हो चुका है, डिस्प्ले का ब्लू कलर हो गया है। इस ब्लू कलर को भी अगर मैं दूसरे कलर में करना चाहूँ, ग्रे कलर या जो क्रीम कलर मैं बता रहा था, वहाँ पर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। ठीक वैसे ही एक बार फिर से फटाफट आपको इसका डेमो दे देता हूँ। ये मेन्यू बटन हमने यहाँ से दबाया, ये हमारा सेटअप मेन्यू आया, सेट इन्फो डिस्प्ले फॉर्मेट आ गया, इसको ओके किया, यहाँ पे किया, अभी मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये ओके किया, नीचे जाऊँगा PSAM में, यहाँ पे जाके फिर से इसको ओके करूँगा और फिर मैं इसको वापस आ जाऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे आप मेनू दबा दीजिए, लाइव डिस्प्ले ऑन किया, ये देखिए दोस्तों कलर मेरा फिर से चेंज हो गया मेरे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले का। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आपको अगर अच्छा लगा हो और आपके लिए जानकारी इसमें मिली हो तो
सकता हूँ। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। और बेल आइकॉन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचते रहें। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।